उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सूबे के अधिकारियों के लिए फरमान किया जारी। सीएम योगी ने सख्त लहजे में अधिकारियों से हर हाल में सुबह 9 बजे तक दफ्तर पहुंचने का दिया आदेश। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर अधिकारी नहीं सुधरते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वेतन भी काटा जाएगा। योगी ने अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए कि संवेदनशील मामलों को सही ढंग से हैंडल किया जाए। कोलकाता के एक ट्रेन में जय श्री राम का नारा न लगाने के लिए इनकार करने पर ट्रेन पर से दिया धक्का। धक्का दिए गए 3 लोगों को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुआवजा देने की घोषणा। हरियाणा के फरीदाबाद में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता विकास चौधरी की दिन दहाड़े हुई हत्या। सेक्टर 9 में हमलावरों ने विकास चौधरी को गोलियां मारी और विकास को सर्वोदय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दिनदहाड़े हुई इस हत्या के बाद फरीदाबाद पुलिस हरकत में आ गई है और पुलिस सूत्रों के मुताबिक विकास चौधरी पर 2 हमलावरों ने फायरिंग की है। भारत ने अमेरिका से 2 टूक कहा कि रूस के साथ एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 को लेकर हुए करार पर वह किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। अमेरिकी समकक्ष माइक पोम्पियो के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इस मामले में भारत वही करेगा जो राष्ट्रहित में होगा। ईरान के कुछ मुद्दे पर भारत अमेरिका रुख में कोई परिवर्तन नहीं ला पाया, पर अमेरिकी विदेश मंत्री ने ईरान को आतंक का सबसे बड़ा प्रायोजक देश बताते हुए उस पर कड़े प्रतिबंधों का किया समर्थन। भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड में चल रहे विश्व कप में अपना शानदार खेल दिखा रही है, जहां सामान्य तौर पर भारतीय टीम की जर्सी का रंग होता है नीला। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले में टीम इंडिया भगवा जर्सी में नजर आने वाली है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की भगवा जर्सी पर राजनीति शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के मुस्लिम विधायकों ने टीम इंडिया की भगवा रंग की जर्सी पर आपत्ति जताई है। टीम इंडिया के इंग्लैंड के खिलाफ मैच में भगवा जर्सी पहने जाने का कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया विरोध। कांग्रेस नेता नसीम खान ने कहा, मोदी सरकार जब से आई है तब से भगवा राजनीति शुरू हो गई है। तिरंगे का सम्मान होना चाहिए, लेकिन यह सरकार हर चीज के भगवाकरण की तरफ बढ़ रही है। उन्नाव जेल मामले में हुई बड़ी कार्रवाई। उन्नाव जेल अधीक्षक AK सिंह की रिपोर्ट पर 4 जेल कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली प्रदेश सरकार में बड़े पैमाने पर बदलाव की सुगबुगाहट होती नजर आ रही है। कैबिनेट से कई मंत्रियों की छुट्टी होगी और कुछ के विभाग बदले जाएंगे, वहीं नए लोगों को सरकार में काम करने का मौका मिलेगा। योगी सरकार में अभी 43 मंत्री हैं, जिसमें लोकसभा चुनाव जीतने वाले 3 मंत्री रीता बहुगुणा जोशी, डॉक्टर SP सिंह बघेल और सत्यदेव पचौरी ने इसे महीने दिया है इस्तीफा। केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली की केजरीवाल सरकार को लगा बड़ा झटका। केंद्र सरकार ने दिल्ली मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त सफर कराने के लिए भेजे गए प्रस्ताव को किया रद्द। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि इस प्रस्ताव में कुछ खामियां हैं, इसलिए इसे रद्द किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए अशोका पहुंचे और ओसाका एयरपोर्ट पर मोदी के लगाए गए नारे। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी और भगौड़े नीरव मोदी पर एजेंसियों ने कसा बड़ा शिकंजा।
सुरक्षा एजेंसियों ने इस मामले में नीरव मोदी और उनकी बहन पूर्वी मोदी से जुड़े चार बैंक खातों को स्विट्जरलैंड में किया सीज। नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक को करीब 13,000 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप लगा है। गाय के नाम पर होने वाली मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार बनाने जा रही है कड़ा कानून। कानून के तहत खुद को गोरक्षक बताकर हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बांदा के नारायणी सड़क मार्ग पर हुआ बड़ा हादसा, बारातियों से भरी तेज रफ्तार लोडर पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी। पिकअप पलटने से करीब 14 लोग हुए घायल और एक की मौके पर ही मौत हो गई है। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। बांदा में पानी की हुई बड़ी किल्लत, जिसको लेकर लोगों ने जनपद के कई जगहों पर किया प्रदर्शन। शामली में पुलिस और शातिर लुटेरों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 3 लुटेरों को लगी पुलिस की गोली। लुटेरों के पास से भारी मात्रा में असलाह कारतूस बरामद हुए हैं। फिलहाल मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बलिया जिला कारागार में डीपी एक्ट 2016 से सजा काट रहे कैदी राकेश तिवारी की अचानक तबियत बिगड़ी। तबियत बिगड़ने से जिला चिकित्सालय में कराया गया है भर्ती। कैदी राकेश तिवारी सन 2018 में कोर्ट में पेशी के दौरान भाग निकला था, जिसे काफी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम पर हुआ करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा का खर्च। एलजीए की जगह राज्य सूचना करेगा निदेशालय। एलडीए सचिव एमपी सिंह ने 9 जनवरी 2019 को शासन को पत्र लिखा, फिर 15 मार्च को उन्होंने दोबारा लिखा पत्र। निदेशक सूचना शिशिर ने इस संबंध में सचिव एलडीए एमपी सिंह को पत्र लिखा है कि सूचना विभाग इसका खर्च उठाएगा, जल्द ही भुगतान प्रक्रिया शुरू होगी। फिल्म गुलाबो सिताबो की शूटिंग के दौरान चेहरे पर मोटा चश्मा, लंबी दाढ़ी और सिर पर गमछा लपेटे अमिताभ बच्चन इमामबाड़े के पास टहलते नजर आए। कैडेवर से प्राप्त लिवर का प्रत्यारोपण कर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अपनी उपलब्धियों में एक और मील का जोड़ा पत्थर। कपूरथला चौराहे के पास स्थित सहारा टावर के ऑफिस की खिड़की से कूदकर कर्मचारी अनुज ने दी की आत्महत्या। जानकारी मिलने पर पहुंची मीडियाकर्मी तो वहां गार्डों ने अंदर प्रवेश करने नहीं दिया। घटना को रहस्यमय बनाने की गई कोशिश। आनन फानन अनुज को सहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के करीब 600 इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट कॉलेजों में बढ़ रहे विद्यार्थियों को अब रोजगार पाने के और अधिक अवसर मिलेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय एकीटीयू के संबंध इन कॉलेजों के अब हर साल 30,000 विद्यार्थियों के प्लेसमेंट करवाए जाएंगे। विद्यार्थियों को नौकरी भी नामचीन कंपनियों में मिलेगी। इसमें गूगल, अमेजोन और फेसबुक जैसी टॉप कंपनियां से एमओयू किया गया। प्राविधिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि अभी हर साल 10,000 विद्यार्थियों का विभिन्न कंपनियों में करवाया जा रहा है प्लेसमेंट। केंद्रीय प्लेसमेंट सेल को और मजबूत बनाते हुए विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री इंटरफेस सेल भी बनाया गया है। विभाग तकनीकी विश्वविद्यालयों के साथ पॉलिटेक्निक संस्थाओं में भी ऑनलाइन टीचिंग व लर्निंग पर जोर दिया जा रहा है। नाका में नथा तिराहे के पास स्थित पंजाब इन होटल के कमरे में एक युवक का शव फंदे पर लटका हुआ मिला।
गठबंधन तोड़ने के बाद बसपा ने वर्ष 2007 की तरह सोशल इंजीनियरिंग को सुधारने की कोशिशें की हैं तेज। मुस्लिमों और अन्य पिछड़ों को जोड़कर बसपा में उपचुनावों में बेहतर नतीजे पाने के साथ 2022 में सत्ता हासिल करने का लक्ष्य भी किया है तय। सतीश चंद्र मिश्रा को राज्यसभा में दल नेता बनाए रखने के साथ बागी हुए रामवीर उपाध्याय का विकल्प भी तलाशना किया शुरू। उत्तर प्रदेश में बसपा को अलग अलग करके विपक्षी दलों में एकता की कोशिशें को गति देने का हो गया है काम शुरू। सपा की चुप्पी रणनीतिक फैसला है ताकि जल्दबाजी कोई बड़ी गलती ना हो जाए। एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि बसपा द्वारा दिए झटके का जवाब भी उतनी ही मजबूती से दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस और कई विभागों समेत सभी अधिकारियों को सुबह 9 बजे तक कार्यालय पहुंचने का दिया निर्देश। योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि सभी अफसर तत्काल प्रभाव से इसका पालन करें। मुख्यमंत्री के निर्देशों की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकृत ट्विटर अकाउंट पर की गई है ट्वीट। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के अपने समकक्ष शिंजो आबे से की है मुलाकात। पीएम मोदी और शिंजो आबे ने एक दूसरे को गले से लगाया। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच साझा हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने साथ G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे जापान भारतीय प्रतिनिधि मंडल के गर्मजोशी से स्वागत के लिए आबे का अदा किया शुक्रिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से पहले जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह इस साल वार्षिक सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री आबे के भारत दौरे को लेकर उत्सुक हैं। रिपब्लिकन नियंत्रित अमेरिकी सीनेट ने अमेरिका मेक्सिको सीमा के लिए $4.5 अरब की अतिरिक्त धनराशि की मंजूरी संबंधी में एक बिल किया पास। ट्रंप ने कहा कि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच समझौता होगा या नहीं या तो ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई और उनकी सरकार पर निर्भर है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वह ईरान के साथ युद्ध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर दोनों देशों के बीच युद्ध की शुरुआत होती है तो वह लंबा नहीं चलेगा। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी प्रधानमंत्री इमरान खान के आमंत्रण पर 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर पहुंचे पाकिस्तान। भारत समेत अन्य देशों में आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान को एक बार फिर अमेरिका और भारत की खरी खोटी सुननी पड़ी है। लाखों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी मंदिर पहुंचते हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने माता वैष्णो देवी मंदिर के पास अपना डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स नियुक्त करने का फैसला किया है। सेंसेक्स 1.57 अंक यानी 0.40% की तेजी के साथ आगे बढ़ा है। स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने नीरव मोदी और उसकी बहन पूर्वी मोदी के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। इनके 4 बैंक अकाउंट थे। आरबीआई ने लोगों की आशंकाओं को दूर करते हुए कहा कि सभी सिक्के वैध मुद्रा हैं और विभिन्न स्वरूपों में जारी हुए सिक्कों को स्वीकार करना रखे जारी। अमित शाह जुलाई के अंत में या अगस्त के शुरुआत में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए दूसरे शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। दो दिनों तक स्थिर रहने के बाद गुरुवार को पेट्रोल डीजल की कीमत में फिर से उछाल आया है। पेट्रोल 7 पैसा और डीजल 5 पैसा प्रति लीटर महंगा हुआ है। बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनर्गठन के लिए सचिवों की हाई लेवल बैठक होगी। इस बैठक में बीएसएनएल और एमटीएनएल के रिवाइवल प्लान पर चर्चा होगी। कोका कोला भारत की सबसे बड़ी कॉफी चेन कैफे
कॉफी डे में स्टेक लेना चाहती है, इसके लिए दोनों के बीच बातचीत हो रही है। अमेरिका और चीन में जारी व्यापारिक तनाव भारत के लिए बड़ा अवसर है। ऐसी परिस्थितियों में भारत को उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश में निवेश के लिए आकर्षित कर सकता है। इमरान सरकार और स्टेट ऑफ पाकिस्तान का भी महंगाई को बढ़ाने में काफी योगदान है। टीम इंडिया के प्लेइंग कॉम्बिनेशन के चल रहे सिरदर्द की जो मोहम्मद शमी की बेहतरीन गेंदबाजी और भुवनेश्वर कुमार के फिट होने के बाद पैदा हुई है। भारत की भिड़ंत खतरनाक वेस्टइंडीज की टीम से होगी। इस मैच में जबरदस्त फॉर्म में चल रहे कोहली और रोहित की बैटिंग पर सबकी निगाहें। अरुण ने कहा, मुझे लगता है कि धोनी ने स्थिति के हिसाब से बल्लेबाजी की और क्रिकेट की स्थिति ही ऐसी थी कि हमें जो लक्ष्य दिया गया उसे बचाने में हम सफल रहे। सचिन तेंदुलकर ने विशेष लाइसेंस करार के तहत कथित तौर पर उन्हें लाखों डॉलर का भुगतान करने में विफल रहने पर ऑस्ट्रेलिया की खेल सामान बनाने वाले कंपनी के खिलाफ मामला दायर किया। सरफराज अहमद की लॉर्डर्स स्टेडियम की बालकनी से नीचे झांक कर नीचे खड़े किसी शख्स से बात कर रहे थे और उनका यह मूवमेंट कैमरे में कैद हो गया। ग्रैंड फ्लावर का मानना है कि बाबर आजम में भारत के विराट कोहली की तरह भूख और प्रतिभा है कि एक दिन वह अपने आदर्श की उपलब्धियों की बराबरी कर सकता है। जिमी निशाम को भरोसा है कि पाकिस्तान के खिलाफ मिली हार से न्यूजीलैंड के विश्व कप अभियान को नुकसान नहीं पहुंचेगा। वसीम अकरम ने न्यूजीलैंड पर शानदार जीत पर पाकिस्तानी टीम को बधाई दी है। श्रीलंका टीम की पहली पसंद गहरे नीले रंग की जर्सी है, लेकिन बाकी मैचों को एशियाई टीम येलो जर्सी पहनेगी। अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी धीमी पारी के कारण आलोचकों के निशाने पर रहे धोनी ने नेट्स पर जमकर पसीना बहाया। फिल्म भारत की सफलता से ऊंचाइयों को छू रहे निर्देशक अली अब्बास जफर का कहना है कि वह कहानी कहने की कला का महत्व जानते हैं और वह पूर्ण रूप से मसाला फिल्मों से मनोरंजन करते हैं। जफर ने एक बयान में कहा, दर्शकों से मिल रहे प्यार की अनुभूति काफी सुखद है। जब मैं कोई फिल्म बनाने की सोचता हूं तब मैं रिकॉर्ड के बारे में नहीं सोचता। मल्लिका शेरावत इन दिनों अपनी आगामी वेब सीरीज बू के प्रमोशन में जुटी हैं। मल्लिका शेरावत पिछले कई वर्षों से बड़े पर्दे से दूर थी, अब बी टाउन में लौट आई हैं और प्रमोशन के जरिए अपने फैंस से हो रही हैं रूबरू। दिग्गज तेलुगु अभिनेत्री और फिल्म निर्माता जी विजय निर्मला का हुआ निधन। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों शाहिद कपूर ने तहलका मचा रखा है। उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म कबीर सिंह ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। बॉलीवुड के बिगेस्ट फिल्म मेकर करण जौहर ने 2008 की प्रियंका चोपड़ा, अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम स्टारर सुपरहिट फिल्म दोस्ताना के रिमेक दोस्ताना 2 का ऐलान करके बी टाउन में मचाया हंगामा। फेमस फिल्म मेकर मेघना गुलजार मानिक शॉ का के जीवन पर एक फिल्म का निर्देशन करने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। इसी साल वैलेंटाइन डे के मौके पर रिलीज हुई रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म देश में इस साल की पहली सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। वहीं अब ये फिल्म विदेश में भी अपना परचम लहराएगी। जया ने एक बयान में कहा, भारतीय सिनेमा को सीमा पार यात्रा करते देखना हमेशा ही शानदार अनुभव लगता है।